उत्तराखंड एक देवभूमि है और इस देवभूमि में अनेकों अनेक शक्तिशाली देवता हैं। तो उन्हीं कड़ी में आज हम आपको ले चलेंगे श्री निरंकार देवता के मंदिर और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में। ऐसी लोक मान्यता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना से पहले केवल निरंकार की ही सत्ता थी। उत्तराखंड में इन्हें बड़ा देवता के नाम से भी पूजा जाता है। मुख्य रूप से निरंकार को शिल्पकारों का देवता माना जाता है, परंतु कई गांवों में निरंकार सवर्ण जातियों के इष्ट देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। सामान्यतः वर्ष में एक बार निरंकार देवता का भंडारा चढ़ाया जाता है और 12 वर्ष के बाद में निरंकार देवता की जात नाम की एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन होता है। लेकिन अब पहाड़ों से हो रहे पलायन के कारण यह अवधि बढ़ती जा रही है। निरंकार देवता के निमित्त घड़ियाले का भी आयोजन किया जाता है। जिस व्यक्ति पर निरंकार देवता अवतरित होते हैं उसे पूर्णतः सात्विक जीवन जीना होता है। उस व्यक्ति को वर्ष भर तक स्वयं खाना बनाना पड़ता है, वह अपने बाल भी नहीं काट सकता और वो किसी से बात भी नहीं करते। सुबह शाम निरंकार देवता की पूजा पाठ करना होता है। एक खास बात और है दोस्तों, एक बार देवता के गांव में आने के बाद वहां के सभी लोगों के लिए कठोर नियम बन जाते हैं, जैसे चमड़े का सामान, लोहे के हथियार लाना वर्जित हो जाता है। क्या निरंकार विष्णु है या शिव? अगर हम इसका उत्तर ढूंढें तो जागरों से बेहतर कुछ नहीं है। विष्णु और शिव दोनों ने कई अवतार लिए, लेकिन शिव की तरफ पलड़ा ज्यादा भारी है, उनकी तरफ आस्था ज्यादा है निरंकार की। लेकिन विष्णु जी को भी कहीं कहीं निरंकार के रूप में माना जाता है। जब इन्हें नहलाया जाता है तब वह विष्णु रूप है और जब इनका मद बनता है तब उनकी पूजा शिव के रूप में की जाती है। लोक विश्वास के अनुसार निरंकार की पूजा में पद्म वृक्ष के पत्तों की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि यह पयासुरी गहरे नागलोक में जहरीले नागों के बीच में होती है। इसे लाने से ही पूजा संपन्न होती है। पूरा गांव एक दिन पयासुरी लेने के लिए ढोल डमाओं के साथ जाते हैं। एक बात और, यहां इन पत्तों के लेने के लिए निरंकार नहीं अपितु हीत ही जाते हैं। यह देखा जाता है कि निरंकार देवता की पूजा के अंतर्गत पद्म वृक्ष की पूजा के बाद उत्तर दिशा से धवल रंग का गरुड़ आकर गांव की परिक्रमा करने के उपरांत पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़कर आंखों से ओझल हो जाता है। घड़ियाले के समय आमा देवी एवं हीत की विशेष पूजा होती है। निरंकार देवता की पूजा में आमा और हीत का मुख्य स्थान है। ऐसी मान्यता है कि आमा दुर्योधन की बहन दुशाला ही थी, परंतु कुछ लोग मां पार्वती को ही आमा का रूप मानते हैं, पर झुकाव दुशाला की ओर ज्यादा है। महाभारत युद्ध के बाद दुशाला ने कृष्ण को श्राप भी दिया था। उस श्राप की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उन्हीं को यह श्राप झेलना पड़ा। उन्हें दुशाला को मनाने के लिए आना पड़ा। उन्हें उसे मनाने के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन भी करना पड़ा। आज इसे गोदावरी मेला के नाम से भी जोड़ा जाता है, जो निरंकार देवता के पूजा के दौरान ही होता है। जिन गांवों में निरंकार देवता के पूजा स्थल हैं, वहां पहला अन्न सबसे पहले उन्हीं को चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार गांव में गाय अथवा भैंस को ब्याहने पर उनका दूध निरंकार को चढ़ाने के बाद ही निजी उपयोग में लाया जाता है। आशा है मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो देखना हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स पे आके आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। जय निरंकार देवता, जय देवभूमि उत्तराखंड।